डिग्रियां बांटी और वो डिग्री लेकर आज की डेट में कुछ कैंडिडेट जो हैं वो राजस्थान सरकार में विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे हैं। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद से पेपर लीक की जांच राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम एसओजी कर रही है। फर्जी डिग्री की आड़ में राजस्थान में सरकारी नौकरी में धांधली का बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने फर्जी डिग्री के खेल का भंडाफोड़ किया है। एसओजी ने चूरू स्थित ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में छापा मार कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों के पास से 7 अलग अलग यूनिवर्सिटी की 50 से अधिक फर्जी डिग्रियां बरामद हुई है। एसओजी को सूचना मिली थी कि ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के संस्थापक जोगेंद्र सिंह, रजिस्ट्रार सरिता कड़वासड़ा और सनराइज यूनिवर्सिटी के संचालक जितेंद्र यादव फर्जी डिग्रियां बांट रहे हैं। ये डिग्रियां 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक में बेची जाती थी। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपियों ने कई बड़े राज खोले हैं। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी मात्र 18 शिक्षकों के भरोसे 18 कोर्स चला रही थी। इन फर्जी डिग्रियों के सारे कई लोग राजस्थान के विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरियां कर रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा पीटीआई भर्ती परीक्षा में हुआ है, जहां 1,300 अभ्यर्थियों ने यूनिवर्सिटी की डिग्री दिखाई, जबकि यूनिवर्सिटी को सिर्फ 500 अभ्यर्थियों को एडमिशन देने की अनुमति थी। जांच में पाया गया कि 1,200 अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी थी। अब एसओजी की टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर फर्जी डिग्री लेकर नौकरी पाने वाले कर्मचारियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस मामले में 200 से अधिक सरकारी कर्मचारियों की पहचान की गई है, जिन पर जल्द ही विभागीय कार्रवाई होगी। ये खुलासा राजस्थान में सरकारी नौकरी में हो रही धांधली का एक और बड़ा उदाहरण है। एसओजी की टीम लगातार इस मामले की जांच में जुटी है और अन्य फर्जी डिग्री धारकों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि एसओजी की जांच में और कितने चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं। डीजी साहब के निर्देशन में जो ये मुकदमा चल रहा था, उसमें जो फर्जी डिग्री सबसे ज्यादा जिस यूनिवर्सिटी से जारी हुई, ओपीजीएस यूनिवर्सिटी राजगढ़ चूरू, ये ओपीजीएस यूनिवर्सिटी जो ओपीजीएस है उसमें ओपी स्टैंड फॉर ओम प्रकाश, जेएस स्टैंड फॉर जोगेंद्र सिंह। मिस्टर ओम प्रकाश की डेथ अभी कुछ दिनों पहले हो गई, तो जोगेंद्र सिंह जो इसके ओनर है यूनिवर्सिटी के, वी हैव अरेस्टेड हिम। और उसी के साथ ये यूनिवर्सिटी 2013 से शुरू हुई थी राजगढ़ चूरू में, और काफ़ी शिकायतें ये लगातार मिल रही थी कि इस यूनिवर्सिटी द्वारा कई फर्जी डिग्रियां हजारों की संख्या में जारी की गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। जोगेंद्र सिंह जो इसका मुख्य ओनर है उसे अरेस्ट किया गया है। इसी के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी में वर्ष 2015 से 2020 तक रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थापित जितेंद्र यादव, जो कि 20 के बाद सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर में इसने खोली है, एमके यूनिवर्सिटी पाटन गुजरात में ही हैज टेकन ओवर, और बूंदी में एक जीत यूनिवर्सिटी के नाम से इसकी तैयारी चल रही है। यूनिवर्सिटी में भी है इसकी खुद की एमके यूनिवर्सिटी हैज रिसेंटली टेकन ओवर इन गुजरात पाटन, और बूंदी जिले में जीत यूनिवर्सिटी के नाम से इसकी यूनिवर्सिटी भी आने वाली थी। इसी के साथ जोगेंद्र सिंह की महिला मित्र और वर्ष 2015 से लेकर 2013 से लेकर 2015 तक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, और 2015 से 2020 तक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन, और जोगेंद्र सिंह की महिला मित्र सरिता कड़वासरा को हमारी टीम ने अभी रोहतक से डिटेन कर लिया है, जिसे भी यहां लाकर इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। ओवरऑल इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, जब हमने जांच की तो उसमें कई हमें विसंगतियां मिली। उदाहरण के तौर पे जैसे पीटीआई भर्ती हुई वर्ष 2022 की, तो पीटीआई की जो मान्यता है ये ओपीजेएस यूनिवर्सिटी को वर्ष 2015 में मिली और 100 सीट की इसकी मान्यता थी। पीटीआई परीक्षा 2022 में आपको पीटीआई का एडमिशन 2020 से पहले का चाहिए,
तो 2015 से लेकर 2020 सॉरी 2016 से इसको मान्यता मिली, तो 2016 से 20 ऐसे 5 कोर्सेज चले, तो मैक्सिमम भी इसके 500 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बीपीएड कोर्स इन्होंने वैलिड रूप से किया हो, परंतु जो नॉमिनेशन आए उसमें 1300 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म में ही अंकित किया कि हमने बीपीएड की डिग्री ओपीजीएस से की है। जो राजस्थान सरकार के बीपीएड के नॉर्म है कि भाई एक एंट्रेंस टेस्ट होगी, काउंसिलिंग होगी और उसके पश्चात एडमिशन बीपीएड में होगा, उसको इन्होंने पूरी तरह से फ्लाउट किया है, डायरेक्ट एडमिशन दिए हैं, कई एडमिशन इन्होंने बैकडेटेड दिए हैं, कई अपने दलालों के साथ मिलकर फर्जी खेल प्रमाण पत्र जारी करने का जो बिजनेस है, अगर मुझे फर्जी खेल प्रमाण पत्र चाहिए तो आई नीड अ एडमिशन इन सम कॉलेज, तो वो एडमिशन ये टेम्पररी रूप से पैसे लेकर दिखाते और वो गलत तरीके से जो भी इनके गेम्स खेले जाते और उनको फर्जी सर्टिफिकेट मिलते हैं। इन्होंने अपनी जालसाजी छुपाने के लिए वर्ष 2016 से 20 तक का रिकॉर्ड जलाना बता दिया, एक तरफ तो उन्होंने जलाना बताया और उसके बाद लगातार जो परीक्षाएं हो रही है जिसमें इनकी डिग्री लेकर कैंडिडेट्स जा रहे हैं उसको ये ट्रू या फॉल्स में वेरिफिकेशन का रिप्लाई भी उस संबंधित डिपार्टमेंट को कर रहे थे। तो जब एक बार रिकॉर्ड जल चुका, प्रश्न ये था कि भाई इनके पास कौन सा रिकॉर्ड है, जब ये खुद ही कह रहे कि रिकॉर्ड जल गया उसके बाद ये वेरिफिकेशन कहां से कर। इसके साथ एक और विसंगति ये थी कि भाई इनको एमएससी या बीएससी एग्रीकल्चर करने की मान्यता इनके एक्ट में है ही नहीं, उसके बावजूद भी इन्होंने कोर्स चलाया, डिग्रियां बांटी और वो डिग्री लेकर आज की डेट में कुछ कैंडिडेट जो हैं वो राजस्थान सरकार में विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे हैं। इस संबंध में जब ये विसंगतियां सामने आई, शिक्षा निदेशालय के साथ हमारी मीटिंग भी हुई और हमने उन्हें भी नोट कराया और उन्होंने पुनः वेरिफिकेशन की प्रक्रिया इस संबंध में शुरू कर दी। इस जोगेंद्र सिंह द्वारा बारा जिले में एक और यूनिवर्सिटी ये बनाने की फिराक में अभी है, यूनिवर्सिटी का कैंपस बन गया है, मान्यता अभी सरकार के पास इसकी पेंडिंग है। जो भी इन्होंने डिग्रियां आज तक जारी की है वो न केवल राजस्थान में बल्कि भारत के दूसरे अन्य राज्यों में, स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में काफी बड़ी संख्या में इनकी डिग्री लेकर लोगों ने नौकरी पाई है और आज की डेट में नौकरी कर रहे हैं। एक और विसंगति इसमें सामने ये आई है कि जब हमने इनका रिकॉर्ड देखा कि कितने टीचर्स एम्प्लॉयड हैं, तो जो सैलरी अकाउंट है वो मुश्किल से इसमें 27 या 28 लोगों का सैलरी अकाउंट है जिनमें से 8 या 10 नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो अगर हम सभी को टीचर एज्यूम भी करते हैं तो 20 टीचर में और ये कोर्सेज चला रहे हैं लगभग 17-18, तो ऐसी कई विसंगतियां सामने हैं जिससे प्रथम दृष्टिया ये है कि एक पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा और ग्राहक अपने दलालों के साथ मिलकर एक डिग्री बेचने का काम ये यूनिवर्सिटी करती आ रही है। जोगेंद्र सिंह के विरुद्ध इससे पहले भी 4 मुकदमे पंजीबद्ध हैं जिसमें 2 में ही अरेस्ट हो चुका है। हमारे तरफ से ये इनके रेट कोर्स वाइज है, जो सस्ते कोर्सेस है उसके रेट कम है, जो महंगे कोर्सेस है उसके रेट ज्यादा है, और दूसरा है कि वो कैंडिडेट की काबिलियत कितनी है, इन द सेंस कि पैसों की काबिलियत क्या है उसके मुताबिक ये रेट तय होता था। जनरली इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि जब भी कैंडिडेट फॉर्म जब आपको भरना होता है, फॉर्म में आपकी ग्रेजुएशन कहां से आप कर रहे हैं या आपने कहां से किया है और रोल नंबर ये मेंशन करना होता है, तो जनरली ये इनका मोडस ऑपरेंडी होता है कि भाई पहले कुछ पैसे लेकर ये रोल नंबर जारी कर देते हैं और उसके बाद जब एक्चुअल सिलेक्शन हो जाता तब ये डिग्री बेचते, वहां भी भावताव करते। जो कैंडिडेट इनको पैसे नहीं देता उसके वेरिफिकेशन ये मना कर देते। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी हमारे सामने आए हैं कि भाई कैंडिडेट गया, पहले भावताव कर लिया, मान लो सौदा 5 लाख रुपए में तय हो गया और 5 लाख रुपए में से जब उसने रोल नंबर ले लिया 5 लाख में सौदा तय हो गया, जब वो एग्जाम पास कर गया और डिग्री लेने गया तो उसको कहा कि नहीं भाई 5 नहीं, अब तो ये 8 लाख देने पड़ेंगे, तो कैंडिडेट ने कहा कि नहीं सौदा 5 का, वो उसने 5 दे दिए। वेरिफिकेशन के लिए लेटर जाता है ये कहते कि नहीं हमारे यहां से किया नहीं, फिर एक कैंडिडेट रोते रोते अपने 3 लाख बचे हुए देता है, फिर उसके बाद एक संशोधित आदेश जारी करते हैं कि पहले जो हमने